ये कहा करते थे मोदी जी के भाषण का अंश लेकर बताऊंगा। मोदी जी कहते थे मैं और राम नहीं जाएंगे, काले धन की पोटली को पीठ पे ढोकर आएंगे और गरीब जनता तुम चिंता मत करियो, हिंदुस्तान में आकर बैंक अकाउंट खुलवाएंगे और फिर 15-15 लाख जमा कराएंगे। मुझे एक बात याद आता है, मैं धारा गांव में जो बवाड़ी किला में पड़ता है उसे टुकाना की कोर्ट की अपील कर रहा था और टुकाना लोग के लिए परिवार जिसपे हर जिला सब करता था, मैंने वहां जाकर कहा कि वोट की अपील करना है उसके लिए चाहिए, तो बूढ़े आदमी ने मेरे पीठ पे हाथ रखे कहा कोई बात नहीं ध्यान करेंगे। मुझे कुछ ऐसा हुआ क्योंकि हमारे यहाँ चलन है जब तक पूरा आदमी सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद ना दे बात पक्की ना समझ लियो, तो मुझे कुछ शंका हुई तो पीछे खड़े नौजवान से मैंने हाथ पकड़ के पूछ लिया कि भाई तुम तो हमारे को देसी जी ने 3-3 नौकरियां घर में दी है, तुम भाई को नाराज हो? तो कहने लगे भाई दिग्विजय जी नाराजगी नहीं है, तुम्हारे थे तुम्हारे हैं और भाई पहले भी घर वोट दिए मगर इस बार 12-15 लाख की है, घर में 6 मानस है 90 लाख तक व्यवस्था बैठिएगा इसी बार बीजेपी की देगी। तो साथियों गरीब जनता को उम्मीद थी कि 15 लाख आएंगे, आए 15 लाख हमारे ये बीजेपी वाले आज कुछ भी कहे 150 से ज्यादा संकल्प बीजेपी ने लिए थे, इनकी संकल्प पूरा नहीं किया। बीजेपी वाले कहा करते थे कि हम सद्भाव प्रणाम करेंगे, हरियाणवी एक और हरियाणा एक बनाएंगे, अरे हरियाणवी एक और हरियाणा एक तो तुम आपने ऐसा जहर बीजेपी वालों को तेलंगाना में फैला दिया जिसकी जिसको ठीक करना जिसका सुधार करना या तो मेरी पीढ़ी के नौजवान जानते हैं या वो कठिनाई आने वाली पीढ़ियों को होगी। आप सहमत हो कि नहीं 36 आदमी के बीच में 35 होने का लेकर कभी किसी आत्मा श्रेणी जैसे व्यक्ति को हवा लेकर इस हरियाणा के माहौल को खराब करने का काम किया। जाट आरक्षण जो था वो जाटों की लड़ाई सरकार से थी और अपनी मांगों को लेकर के थी, जाटों की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं थी, मगर ये आप और हम मानते हैं कि उसको उस लड़ाई में अगर उस आग में भी डालने का काम किया तो वो बीजेपी के इशारे पर राजकुमार सैनी जैसे लोगों ने किया एक कौम को बदनाम करने के लिए जिसके कारण हरियाणा में वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल सके। मगर इनके ये नाकाम मंसूबे इनके ये बेगैर मंसूबे आज हम संकल्प लेकर के जाए बोहरा की इस पावन पुत्र धरती से कि हम सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोग इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हरियाणा सेना किसी एक पार्टी की नहीं, सेना हमारे देश की है, सेना पर हमें सब होगा। आज मैं सवाल उठाना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से कि आप अगर इतने बड़े नेता बढ़ते हैं तो फिर ये बताइए कि 3 साल मेहमान मुफ्ती के साथ सरकार की